फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस इन प्लांट्स। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है उसके दौरान हमने फास्फोरस की अवेलेबिलिटी किस तरह से होती है प्लांट्स में, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात की है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर प्लीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ फास्फोरस इन प्लांट के अंदर, पहले फंक्शन की तो वो ये है कि इट इज़ द एनर्जी करेंसी, कि फास्फोरस को एनर्जी करेंसी के रूप में कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, या मुझे लगता है ऑलरेडी आप जानते ही होंगे कि ये कंपोनेंट है एटीपी का। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में ट्राईफॉस्फेट का मतलब ही यही है कि तीन फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि जैसे एडिनिन जो है राइबोज शुगर के साथ जुड़ा है और साथ में तीन फॉस्फोरस या हम कह सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, तो इसलिए हम इसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर यहाँ जो तीन फॉस्फोरस ग्रुप्स हैं ये अगर जब टूटते हैं, फॉस्फोरस के बीच के बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से हम देखते हैं एटीपी को वास्तव में एनर्जी करेंसी कहा जाता है, लेकिन साथ में हम फॉस्फोरस को भी एनर्जी करेंसी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि फॉस्फोरस कंपोनेंट है किसका, एटीपी का, राइट। तो हम कह रहे हैं कि ये जो फॉस्फोरस की बॉन्ड टूटते हैं तभी एनर्जी निकलती है, याद रखिएगा। अब एडिनोसिन, एडिनोसिन नाम वर्ड आता है इसके अंदर, तो यहाँ एडिनिन हमें याद रखना होता है। एडिनिन जो है आपको पता होना चाहिए कि एक नाइट्रोजन बेस है, तो यानी इसके अंदर नाइट्रोजन भी अवेलेबल होती है। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीपी के कंपोनेंट क्या है, तो हमारे को पहला निशाना क्या लगता है हमारा कि भाई फास्फोरस, तो फास्फोरस पे हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें फास्फोरस के साथ में नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, क्योंकि वो फोर्थ ऑप्शन के अंदर बोथ का ऑप्शन भी डालते हैं, बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो हम जल्दबाजी में सिर्फ फास्फोरस को क्लिक कर देते हैं। तो दोनों बातों को याद रखिएगा कि यहाँ नाइट्रोजन भी है, यहाँ फास्फोरस भी है, राइट। और हम देख रहे हैं कि यहाँ फास्फोरस की बॉन्ड जब टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा। एडिनोसिन के अंदर जो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स हैं या शुगर के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड टूटेगा, है ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स वगैरह अगर टूटेंगे तो उसमें कोई एनर्जी नहीं निकल रही। एनर्जी कहाँ निकल रही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है। ये एनर्जी जब फॉस्फोरस वाली टूटती है तब जाके हम देखते हैं हाई एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है ये भी याद रख लेते हैं कि एटीपी जब एडीपी में बदले, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में बदले, यानी एक फॉस्फोरस अलग होगा तो लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। और वहीं अगर हम कहें दो फॉस्फेट अगर टूट जाएं एक साथ, अगर हम देखें वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल जाए, समझ आ रहा है आपको, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में अगर बदल जाए तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, तो हमें याद रखना है 45.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम याद रखते हैं एनर्जी करेंसी से रिलेटेड, ओके। अच्छा, इस वीडियो से पहले की वीडियोज में हमने जाना है कि आपको याद है अपटेक किस तरह से होता है। दो तरह के आयन्स मैंने आपको कहे थे, कौन कौन से, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट और सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। मैंने आपको एक पीएच भी बताई थी जिसके ऊपर दोनों का कंसंट्रेशन लगभग बराबर होता है। आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके उस पीएच की वैल्यू जरूर बताइएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो वो है फॉस्फोरस इज नोन एज द की ऑफ लाइफ, याद रखिएगा, की ऑफ लाइफ। बिल्कुल, हमारी भी और साथ में प्लांट्स की भी जिंदगी की चाबी यही है। चाबी क्यों यही है, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म में, किसी में डीएनए है किसी में आरएनए है, है ना। तो डीएनए आरएनए जो है उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पहला वही फास्फोरस और दूसरा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेसिस के रूप में अवेलेबल है, फास्फोरस उसकी बोन के अंदर, सॉरी बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। इन चीज़ों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फास्फोरस इज नोन एज द की ऑफ लाइफ, जरूर याद रखिएगा इस टर्म को, ओके। और अगर हम बात करें कि फास्फोरस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रूट डेवलपमेंट, याद है वो दिन मैंने जो आपको कहा था कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ऊपर की ग्रोथ करानी है, मतलब हम देखते हैं जमीन के ऊपर का हिस्सा जो ग्रोथ करता है उसके लिए नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो जमीन के अंदर नीचे हिस्सा ग्रो कर रहा है यानी रूट सेक्शन का की ग्रोथ है उसके लिए फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे याद रखिएगा, फॉस्फोरस इज इंपॉर्टेंट फॉर द रूट डेवलपमेंट, ओके। फोर्थ वन इज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर होती है ना, तो इसलिए फॉस्फोलिपिड के अंदर फॉस्फो आ गया, तो मतलब फॉस्फोरस वहाँ इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल याद रखिएगा। सेल डिवीजन से भी इंपॉर्टेंट रोल जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, ऊपर की तरफ जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज बनते हैं, है ना, जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं, आगे से आगे उसकी ग्रोथ कराते हैं पौधे की, उस प्राइमरी ग्रोथ के अंदर या मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है, तो क्या याद रखेंगे, फॉस्फोरस याद रखेंगे, ओके। और हम देखते हैं सिक्स्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ फाइटेट इन सीड्स, याद है पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस क्या है, फाइटीन है, है ना। तो फाइटीन की जैसे ही आप याद रख सकते हैं कि फाइटेट जो होता है वो हम कहते हैं एक तरह का उसका एनायन की फॉर्म हो गई, एनायनिक फॉर्म हो गई, है ना। तो वो फाइटेट जो है उसके अंदर कई हैवी मेटल्स को वो पकड़े रखता है,
हैवी मेटल्स जो हैं जिंक हो गया, या हम देख सकते हैं कोई भी अदर मेटल्स को जो है वो पकड़ के रखता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को होल्ड करे रखता है ये सीड्स के अंदर। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सीड के अंदर कुछ मेटेलिक या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टोर्ड फॉर्म, किस स्टोर्ड फॉर्म के अंदर रह सकते हैं, तो वो फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, फाइटेट फॉर्म के अंदर रह सकते हैं। तो इससे ये बाद में हेल्पफुल रहते हैं किसके लिए, तो हम देखते हैं सीड जर्मिनेशन के अंदर। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है सीड जर्मिनेशन के अंदर कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है, तो याद रखेंगे फॉस्फोरस ज़रूरी है। ओके, और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ सीड्स के अंदर कौन सी है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मेंशन किया था, फाइटीन है, याद रखिएगा। रेगुलेट द स्टार्च सिंथेसिस एंड CO2 फिक्सेशन इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च का बनना, स्टार्च का सिंथेसिस जो है उसका रेगुलेशन, उसका कंट्रोल कौन करता है, उसका कंट्रोल हम देखते हैं फॉस्फोरस करता है। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस चीज़ एक मेन पॉइंट जो हमारे को याद रहना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से, तो वो ये है कि ये रेगुलेट करता है स्टार्च सिंथेसिस को। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो आपने कॉपी में मेंशन करेंगे वो क्या है, वो ये है कि NP और S, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर, इन तीनों को एसेसरी एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेसरी एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ये एनर्जी को स्टोर करने में, बॉन्ड बनाए बॉन्ड्स वगैरह बनाने में, ट्रांसफ़र करने में चीज़ों को इधर से उधर, है ना, तो इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं NP और S। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एसेसरी एलिमेंट्स कहते हैं। एक अलग से टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि एसेसरी एलिमेंट्स कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एसेसरी एलिमेंट्स, तो आप याद रखेंगे NPS। तो इस तरह से हमने फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस, या मैं कह सकता हूँ फॉस्फोरस की फंक्शंस को जानने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और साथ ही पिछली वीडियोज के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इन केस इस वीडियो से पहले की वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम जो हर इंसान को याद रहता है, याद रहना भी चाहिए, वो ये है कि ओल्ड लीव्स के अंदर है, याद रखिएगा ओल्ड लीफ में हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स जो हैं, हमने देखा था डेफिशिएंसी दिखाते हैं NPK, है ना, याद किया था NPK, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, इस तरह से हम मेंशन कर रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये ओल्ड लीफ में दिखाते हैं। तो यंग लीफ में जो है किनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं, याद है आपको? याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, रिवीजन होएगा तुम्हारा भी, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग पिछले वीडियोस ढंग से देख रहे हो, है ना। तो ओल्ड लीव्स जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सबको पता होना चाहिए कि वहाँ एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है और जिसकी वजह से ये बढ़ेगा, तो उससे हम देखते हैं लीफ कलर्स जो है, लीफ का कलर जो है वो पर्पल कलर सा हो जाता है, पर्पल या रेडिश मेंशन कर देते हैं हम, है ना, तो वो कैसा हो जाता है, पर्पल सा हो जाता है, ये सबको याद रहती है बात। दूसरी बात, फेलियर ऑफ लैटरल बर्ड्स, इसे भी याद रखिएगा ना कि लैटरल बर्ड्स जो है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाती, उनका फेल हो जाना एक डेफिशिएंसी सिम्टम है किसका, फॉस्फोरस का। और तीसरी बात, सिकल लीफ डिजीज ऑफ मेज, ये इंपॉर्टेंट है अभी, है ना, स्क्रीन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे लगता है यही है कि सिकल लीफ डिजीज़ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो किससे होती है प्लांट में, तो मेज़ मेंशन किया है तो ठीक, नहीं तो ऐसे जनरली पूछ लिया कि प्लांट्स में सिकल लीफ डिजीज़ किसकी वजह से होती है, तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है। सिकल लीफ, सिकल मतलब क्या होता है, सिकल मतलब हंसी आकार, पत्तियां जो है वो हंसी आकार की हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाता है कि ये फलकेट लीफ भी कहा जाता है, फलकेट का मतलब भी सिकल से रिलेटेड है, तो दोनों टर्म्स को याद रखें, सिकल लीफ डिजीज या फलकेट लीफ सी हो जाए तो वो क्या है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी। फोर्थ है स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट जंग से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, स्टंटेड ग्रोथ है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीक फाइबर्स ऑफ कॉटन, क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि कॉटन के अंदर फाइबर्स जो हैं वो वीक रह जाएं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी, याद रखिएगा फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं, फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी है, तो इसे याद रखें, फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी से वीक फाइबर्स ऑफ कॉटन याद रखना है हमें। और एक नोट पॉइंट लगा के लिखा है कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक का मतलब समझते हैं उल्टा इफेक्ट, यानी अगर हम देखें फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जिंक की क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है। याद रखिएगा अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये देखा जाता है कि जिंक का कंसंट्रेशन कम रहता है, और जिंक का कंसंट्रेशन कम होने से हमें याद रखना है क्या कि जिंक की डेफिशिएंसी हो गई, और जिंक की डेफिशिएंसी से राइस, राइस के अंदर कौन सी डिजीज होती है,
आपका मन फूट फूट के बताने की कोशिश कर रहा होगा कि हाँ राइस के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी से मुझे पता है कौन सी डिजीज़ होती है। आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कौन से साइंटिस्ट ने उस डिजीज़ की खोज करी थी उसे भी ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आपको ये बात समझ में आए, उसको रिलेट कर लीजिएगा दिमाग में कि भाई जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, तो फॉस्फोरस कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से, मतलब एक्सेस में अगर हम देख रहे हैं फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स दिए गए हैं, उसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, तो उससे जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, याद रखिएगा। और एक और भी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट याद रखते हैं हम फॉस्फोरस का, फेरस के साथ, एफी के साथ, कौन से प्लांट्स में, तो राइस प्लांट में ही, लेकिन एसिडिक पीएच के ऊपर, ठीक है। तो एसिडिक पीएच के अंदर हमें याद रखना है कि फॉस्फोरस कंसनट्रेशन बढ़ता है तो एफी कंसनट्रेशन कम होता है, तो ये भी एक तरह का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। ओके, एसिडिक ना मेंशन हो तो हो सकता है कि यहाँ इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हो। सिनर्जिस्टिक मतलब कह सकते हैं कि दोनों का बढ़ेगा, फॉस्फोरस बढ़ेगा तो एफ भी बढ़े, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, मैंने वो बुक्स में पढ़ा हुआ नहीं देखा है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो अगर फेरस और फॉस्फोरस से रिलेटेड बात भी अगर आपको कंफ्यूजन हो या आपको लगे कि ये बात सही नहीं है, आपको लगे कि आपको सही बात पता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के दौरान हम पोटेशियम के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज से। We'll be right back.